लाइक सेलर्स लर्नर्स। आप जैसा कि देख सकते हो, पहली बार मैं कर रहा हूँ इन वीडियो लेक्चर। हमेशा मैंने तो सिर्फ नोट्स और मेरी ऑडियो रहती, तो दिस टाइम मैं अपना वीडियो भी रख रहा हूँ, और ये रूम के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा रूम में मेंटेनेंस हो ना, मैं उसमें शूट करने वाला था। तो आज हम लोग देखने वाले हैं नॉर्मल सी डीएमवीटी कैसे यूज, बस। तो आप लोग मेरे साथ बने और हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने सबसे पहले वर्ड बोला था सीडीएमवी, डायरेक्टली कंपोज टू 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 डीएमवी। डीएमवीटी एक टर्मिनोलॉजी टाइप बोल सकते हैं, तो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है सीनियर्स के बीच। आपको डे टू डे लाइफ में हर टाइम काम आएगा, आपको जब तक कैप्टन नहीं बन जाते तब काम आएगा। डीएमवीटी से आप कब कन्वर्ट कर सकते हेडिंग्स के लिए यह मोस्टली यूज होता है, और जो हमारा चार्ट रहता है, तो चार्ट रहते हैं उसमें भी हम लोग जब नेविगेट करते हैं उसमें भी हम लोग, जैसे एडिस हो गया लेटेस्ट जो है, एडिस एडिस में हम लोग ट्रू भी देख सकते हैं, कंपास भी। कंपास का फीड भी आता है हमारे पास, और जायरो का भी फीड, तो दोनों का एरर हम लोग जो निकाल के रखे पहले से, तो वो हम लोग उस पर फीड कर देते हैं, ऑटोमेटिकली वो चेक कर देता है। बट जब आप पेपर वर्क करते हो आपको ये मोस्टली क्या करना पड़ता है, कन्वर्ट ही करना पड़ता है एंड विथ प्रॉपर स्टेप्स। तो कंपास एरर लॉग बुक जो रहती है, अगर तो कंपास एरर लॉग बुक में आपको है ना पेज वर्क भी करना पड़ता है, और कन्वर्जन उसमें मेन होता है। तो सबसे बेसिक फर्स्ट टॉपिक है सी डी एम वी कन्वर्जन। तो देख लेते हैं हमें सी एम वी। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि क्या है सी से, क्या होता है कंपास। होता है कंपास हो गया, डी से हो गया डिविएशन, ये हो गया हमारा मैग, वेरिएशन, और टी से हो गया हमारा ट्रू। अभी आपने बहुत सारी हेडिंग्स ऐसी देखी होगी, 123 डिग्री कंपस, ये मतलब कंपस हो जाता है। और अगर 123 डिग्री लिखा होगा ट्रू, ये एक्चुअल हेडिंग। तो अभी ये जो सी जो हम लोग लिखते हैं हमारा कंपास पोल जो है, कंपास पोल ये हमारा रहता है कंपास पोल। तो हमने कंपास का नॉर्थ कहाँ सेट करा, कंपास का नॉर्थ कहाँ सेट करा था उसके ऊपर डिपेंड। ये ट्रू होता है जो एक्चुअल एक्चुअल या फिर ट्रू नॉर्थ पर, एंड एम वाला जो होता है मैग्नेटिक, बहुत टाइम ऐसे भी दे देते हैं 123 डिग्री मैग्नेटिक, तो ये बताता है हमारा मैग्नेटिक मैग्नेटिक लॉ। इस पे वीडियो चाहिए तो हम लोग बाद में बात। ओके, तो सबसे पहले तो मैंने ये बता दिया आपको क्या होता है मैग्नेटिक, क्या होता है। अब वेरिएशन और डिविएशन की बात आती है, डिविएशन क्या होता है। डिविएशन होता है जो तो हमारी शिप है वो स्टील की बनी है, मेटल की है। कार्गो भी डिपेंड करता है, कभी हम लोग आयरन ओर्स कभी पेट्रोलियम लेके जाते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट इसका अलग अलग डिविएशन है। डिविएशन हम कैसे देखते हैं, डिविएशन का तुम्हें चार्ट वर्क में अच्छा है डिविएशन कार्ड कैसे देखना, बट अगर हम नेविगेशन की बात करें तो डिविएशन दिया हुआ था, और डिविएशन कार्ड तुम्हें ब्रिज पे मिल जाएगा। यहाँ तक कि मोस्टली हम लोग जो डिविएशन कार्ड है वो कंपास एरर लॉग बुक में भी टिक करके। नेक्स्ट है हमारा वेरिएशन। तो वेरिएशन क्या है, वेरिएशन आपको ध्यान देना पड़ता है। तो एक चार्ट रहता है,
उसका कुछ वेरिएशन रहेगा, वेरिएशन कुछ भी दे देंगे, जैसे वर्ल्ड, और उसके आगे ईयर लिखा रहेगा, ठीक है, ईयर जैसे 1990 से, और अभी जैसे 2022 चल रहा है, और पर ईयर का जो इंक्रीमेंट है वो दिया रहेगा, जैसे 0.1, ठीक है, वेरिएशन चेंज होगा 0.1 डिग्री, पर ईयर 0.1 डिग्री बढ़ जाएगा। उस हिसाब से 22 का कितना हुआ, 4 और 26.1 को 26 टाइम्स ऐड करना है, 0.1 × 2 डिग्री, 2.6 + 1, 3.6, रेडिएशन इज डिग्री वेस। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसको नेक्स्ट हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे। तो थोड़ा सा स्लाइड डाउन किया, अभी हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। तो सीडीएम वेटी कंपस टू टू पहले हम लोग जाएंगे, कंपस तो हम लोग एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे मैं रैंडम क्वेश्चन ले लेता हूँ मन से बना के, कन्वर्ट 118 डिग्री कंपास थ्री ट्रू, टू में कितना होगा, ए वेरिएशन इक्वल टू 0.3 डिग्री वेस्ट एंड डिविएशन, ठीक है। तो इसके पहले एक छोटा सा आपको एक की पॉइंट याद दिलाना चाहूंगा, अगर आपने सुना है तो काट वक्त पी ए डी रूल, एडिट रूल, एडिट रूल में क्या होता है, फ्रॉम कंपस टू ट्रू, From true, अगर आप कंपस से ट्रू निकालने की कोशिश करो जैसे हमारा केस है, तो एड ईस्ट, एड अगर उल्टा है ट्रू टू कंपस है तो एड, समझ गए इतना, बस इतना याद रखना है, सही बताना चाहता था। तो हम लोग वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे, तो 118 डिग्री कंपस टू ट्रू कैसे होगा, तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं सीडीएमवीटी, कंपास इज 118 डिग्री, और डिविएशन दिया है 1.2 डिग्री ईस्ट, तो कंपास टू ट्रू ऐड ईस्ट, हमारा रिजल्ट क्या है, मैग्नेटिक क्या आ गया, ऐड करने पे 119.2 ओके डिग्री, 19.2। नेक्स्ट हमारा गिवन क्या है, वेरिएशन 2.3 डिग्री वेस्ट, वेस्ट क्या होगा, सब्सट्रैक्ट होगा क्योंकि ऐड ईस्ट हो रहा है, टी टू टी में जाने के लिए, कंपस जाने के लिए, ये क्या होगा, सब्सट्रैक्ट होगा, ये होगा ऐड होगा सब्सट्रैक्ट, तो 119.2 डिग्री माइनस 2.3 डिग्री, हमारा 116.9 हो जाएगा, 116.9 प्लीज, ठीक है। ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, स्टार्टिंग में आते हैं, तो इसको थोड़ा प्रैक्टिस करना जरूरी है। आई थिंक जो सी है वो आपको दिख नहीं रहा मेरे वीडियो की वजह से, इसको थोड़ा सा स्क्रोल करूँगा ताकि ये सब, ठीक है, अभी आपको दिख रहा होगा सब कुछ। ये है कन्वर्ट 118 डिग्री कंपास
और हम लोगों के पास वेरिएशन दिया है, डिविएशन दिया है, हमने सी डी एम वी टी लिखा, सी डी सी की वैल्यू डाली, डी की वैल्यू डाली, हमें एम मिला, एम के साथ हमने वी को ट्रीट किया वेरिएशन, हमें ट्रू मिल गया। तो इसमें हमेशा याद रखना एड इज फैक्टर के लिए ट्रू यूज हो। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इन सी डी एम वी टी, बट इस बार हम लोग ट्रू टू कंपस जाएंगे। कन्वर्ट 248 डिग्री ट्रू टू डिग्री कंपस, कितना कंपस होगा? इफ इफ वेरिएशन इज 1.6 रिवर्स, वेरिएशन इज 0.2 डिग्री वेस्ट, दोनों सेम है। कैडेट रूल जो है, हमने कैडेट लिखा था, कैडेट रूल में हमने बोला, कैडेट रूल याद है, हमने बोला था एड इज कब, जब हमने कंपास टू टू ड्रा, इसमें उल्टा कर दो बस, सब्सट्रैक्ट इज एड वेस्ट। तो एक वन साइड याद रखो, दूसरी साइड ऑटोमेटिकली उसका उल्टा है। तो ना थोड़ा ऊपर लिया, तो हम लोग वापस इधर सी डी एम वी टी लिख लेते हैं जो हमारा नॉर्मल है, सी डी एम वी टी, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, टी है, टी क्या दिया है 248 डिग्री टू, हमारे पास रेडिएशन है 1.6 डिग्री वेस्ट, एड वेस्ट है टू टू कंपस में, एड वेस्ट है 248 प्लस 1.6 एंड जीरो डाल दो, चलो 6942 क्या आ गया 249.6, डिविएशन क्या है 0.2 डिग्री वेस्ट, तो वापस वेस्ट है, इसको ऐड कर देंगे 249.8 आ गया 249. 249. अब मैं दोनों में एक चीज सिखाना चाहूंगा लास्ट, ओके लास्ट, फिर हम लोग एक प्रैक्टिस क्वेश्चंस देंगे आपको। तो अभी देखो, तो हमारा वेरिएशन और डिविएशन मिक्स होता है, होता कंपस है, मैं बताता हूँ कैसे। वेरिएशन और डिविएशन को अगर हम ट्रीट करें, ठीक है, अगर दोनों की वैल्यू सेम है तो ऐड होगी, मतलब वेस्ट वेस्ट है तो ऐड होगी, ईस्ट ईस्ट है तो सब्सट्रैक्ट होगी। तो अभी देख सकते हो आप 2.3 वेस्ट है ये और 1.2 ईस्ट है ये, ठीक है, होगी सब्सट्रैक्ट होगी, इधर 1 बचा, इधर 1 बचा, 1.1 डिग्री इज कंपस एरर, और इस पर बड़े वाले की साइन लगेगी, दैट इज वेस्ट 0.1 डिग्री वेस्ट। अगर हम लोग कंपस से ट्रू जा रहे हैं, कंपस एरर हमारा क्या 1.1 डिग्री वेस्ट, इसका मतलब है अगर 118 डिग्रीज में सब्सट्रैक्ट करूं 1.1 डिग्री इज ऑटोमेटिकली 116.9 में ये हमारा क्या है ट्रू है। अगर इसको हम कंपास में कन्वर्ट करना चाहें 1.1 डिग्री वेस्ट है, तो उधर हमने क्या किया था सब्सट्रैक्ट, इस साइड क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो ऐड किया तो ये वापस आएगा 90 हो गया, तो 1 आ गया 7 8 118, ठीक है, इसे याद रखने वाले इस तरीके से हम लोग याद रखते हो, कंपास एरर निकालते हो सबसे पहले वेरिएशन डिविएशन तो मैग्नेटिक, मैग्नेटिक से जब आपको चेंज करना हो, कंपास निकालना हो या फिर डिविएशन वेरिएशन निकालना, तो वो चार्ट वर्क्स में आता है। चार्ट वर्क में क्या होता है कि बहुत टाइम पे आपको प्रॉब्लम्स मिलेंगे, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग ऐसे अभी के लिए एडजस्ट में आपका सब काम हो जाता है, ठीक है। हमने जब पढ़ाई की थी तब हमें तो ये फाइंड करना पड़ा था, मैग्नेटिक से कंपास निकालो, मैग्नेटिक दिया रहेगा, वेरिएशन दिया रहेगा,
डिविएशन कार्ड से, जो चार्ट वर्क की बुक के लास्ट में है डिविएशन कार्ड, उसे यूज करके कंपस भी निकालो ट्रू भी निकालो, तो अभी भी दो वैल्यूज रहेगी मोस्टली, दो वैल्यू देते ही देते हैं ताकि आप तीसरी फाइंड कर सको, एक सिंगल वैल्यू पे नहीं, और दो वैल्यू इन द फॉर्म अलग अलग दी जा सकते, जैसे मैग्नेटिक दे दिया, डिविएशन कार्ड है आपके पास, वेरिएशन अकॉर्डिंग टू दिस, ठीक है, तो रीजन पे रहता है, तो वो आपको रेफरेंस के लिए रहता है, जैसे डिविएशन कार्ड हो गया आपकी, तो वैल्यूज दो रहती है हमेशा, सिंगल वैल्यू पर कभी कोई बिल्कुल सॉल्व नहीं है। और जैसा कि ये सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड वाला ये वाला, इसका अगर हम लोग कंपस एरर निकाले अभी के लिए, इसका अगर हम लोग कंपस एरर निकाले तो डिविएशन और वेरिएशन दोनों वेस्ट है, 1.6 डिग्री वेस्ट प्लस 0.2 डिग्री वेस्ट इज 1.8 डिग्री वेस्ट, और अगर हम लोग ट्रू से कंपस जा रहे हैं तो ऐड वेस्ट करेंगे, ठीक, तो हमारा ट्रू क्या था 248, और कंपस एरर क्या था 1.8 डिग्री वेस्ट, तो अभी हम दोनों को ऐड करेंगे, कंपस एरर 849 डिग्री, 249.8 डिग्री, 49.8 डिग्री, क्या आ गया आपका। तो इसी तरीके से आप और प्रॉब्लम सॉल्व करो, ये मैं ऑन द स्पॉट क्वेश्चन आपको वो इसे दे रहा हूँ, दो तीन होमवर्क लिख के दे देता हूँ घर पे, और मेरे को आंसर कमेंट डाउन करो ताकि तुम्हारी प्रैक्टिस हो, और ये मोस्टली है ना फर्स्ट जो स्टार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट फर्स्ट यूनिट टेस्ट के लिए जो प्रिपेयर करें या सेमेस्टर तो उनके लिए है, और अच्छे से पढ़ाई करो, होमवर्क प्रॉब्लम्स ओके, और कमेंट करो मैं उसमें सही जवाब दूंगा, अलग से वीडियो में बनाने नहीं वाला, इसके इसका आंसर क्या उसका आंसर क्या, इसको कमेंट करो, हो सकेगा तो सॉल्यूशन ब्लॉग पे दूंगा, ब्लॉग का लिंक जो है वो ब्लॉग की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में, होमवर्क में दो क्वेश्चन था, कंपस दिया है 198 डिग्री ओके, वेरिएशन है हमारा 1.6 डिग्री ईस्ट, डिविएशन डिविएशन है 1.5 डिग्री वेस्ट, ट्रू इक्वल टू व्हाट, एंड कंपस एरर भी निकाल के बताना मुझे इक्वल टू व्हाट, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चंस है, और एक दे देता हूँ होमवर्क में, ट्रू इज 212 डिग्री ट्रू ओके, वेरिएशन इज 3.6 डिग्री ईस्ट, वेरिएशन इज 5.8 डिग्री वेस्ट, ट्रू क्या होगा ओके, और कंपस एरर क्या होगा ये मेरे को बताना, कमेंट में जल्दी से बताना मेरे को, फर्स्ट ये फर्स्ट वाला है, सेकेंड वाला है, फर्स्ट का ट्रू और कंपस एरर, सेकेंड का ट्रू कंपस एरर, ठीक है, सॉल्व करके देना तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए, उसके बाद अगर तुम्हें चार्ट वर्क का थोड़ा चाहिए मैं सॉल्व कर सकता हूँ, मेरे पास चार्ट्स तो अभी अवेलेबल है नहीं वैसे, और मैं ग्राफिक नहीं, तो वो भी बहुत बड़ा इश्यू है, तो कोई नहीं तुम देखते रहो, और ये मोस्टली सोल्यूशन है ना मेरे ब्लॉग पे डाल दूंगा जितना जल्दी हो सके, तो लगे रहो और जरा सब्सक्राइब करके रखो, चले जाते हो लोगों को देखा है बहुत बार, और चेन्नई मोस्ट सर्च पे सीरियस तो रहो कम से कम।